सबसे पहले तो वो वॉल टिल्ट वाली बात का उत्तर देने का प्रयास कर लेते हैं हम। ठीक है, तो वैसे तो थोड़ा बहुत समझाया था, बट वो जो भी लेक्चर पिछले साल वाला जो डाला था उसकी मैक्सिमम चीज़ें मैं इधर एक बार फिर से भी समझा दूँगा। ठीक है, तो इसलिए डाल देते भी ताकि आपको जब ये लेक्चर सुने तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो देखिए, ओमेगा ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन के एक्चुअली दो अर्थ होते हैं। ओके, एक ये अर्थ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ओके, और एक अर्थ जो अपन ने पिछली क्लास में देखा परपेंडिकुलर वाला अपॉन लेंथ वाला, राइट, एल पर लाइन ज्वाइनिंग वाला। अब तकलीफ क्या है कि हम जब ये कॉन्सेप्ट से सोचते हैं तो हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इस कॉन्सेप्ट से मैच नहीं हो रही, वो इस कॉन्सेप्ट से मैच हो रही है। भाई जैसे मैं जहां बैठा हूं तो इस कॉन्सेप्ट से तो लग रहा है कि वो दीवार मुझे घूमती हुई दिखनी चाहिए, राइट। हर घंटे जो है इतना घूम जानी चाहिए, 6 घंटे में 90 आ जाएगा, राइट। तो छत जो है सामने आ जानी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से चले तो। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से चले तो 0 ही आएगा कि भाई मैं अर्थ पे हूं, जैसे कि थोड़ा सा दिख जाए इसलिए इतना बड़ा बड़ा बना रहे थे, ये दीवार है, ये आप है। इस कॉन्सेप्ट से चले कि भाई रिलेटिव एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन होती है, तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा, भाई जिससे मैं घूम रहा हूँ उससे दीवार घूम रही है, तो मेरे रिलेटिव इसकी वेलोसिटी एंगल ऑफ वेलोसिटी 0 आ जाएगी। हम दोनों के एंगल ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो वो 0 आ जाएगी, राइट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से, सो दिस इज वॉट इट इज। तो क्यों ये वाला लॉजिक यहां प्रैक्टिकली वैलिड नहीं हो रहा है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। लेट्स सी, देखिए, जब आप देख रहे हैं इस मोमेंट पे, तो ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, और कुछ समय बाद, लेट्स से 6 घंटे बाद का यदि मैं चित्र बनाऊं, या 3 घंटे बाद का बना लेते हैं, 3 घंटे बाद का चित्र बनाओ, तो आप यहां आ चुके होंगे, और आपको पता नहीं पड़ा परंतु आपने अपनी एक्सिस कर दी चेंज। एक्चुअली आपकी एक्स एक्सिस जो इस समय दिख रही है, 1 मिनट बाद वो नहीं रहेगी, हर समय वो चेंज हो रही है। तो यदि आप ये कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो इसके अंदर जब हम वेलोसिटी वेक्टर्स लिखते तो उसमें एक्सिस रोटेटिंग नहीं थी, इसीलिए इन सब चीजों को डील करने के लिए देयर आर डिफरेंट फ्रेम्स। इसमें एक्सिस रोटेटिंग नहीं थी, आप देखेंगे तो जब हमने बॉडी लिया था, राइट, तो वेलोसिटी वेक्टर वगैरह लिखते हुए हम लोग ऐसे ओ ए बी, तो जब हम
वेलोसिटी लिख रहे थे इनकी, राइट। तो ये हमने इस लाइन ज्वाइनिंग के हिसाब से मतलब चीज़ें कर ली थी, राइट। बट इस दुनिया के हिसाब से जो वेलोसिटी वेक्टर थे वो आई कैप जे कैप के टर्म्स में, वही आई कैप जे कैप मान के लिख रहे हैं, तभी ये चीज़ें बैठती हैं वेलोसिटी वाली। ऑन द अदर हैंड एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमको पता नहीं चलता और हम एक्सेस चेंज कर देते हैं। इस वजह से ये लॉजिक से निकला हुआ रिजल्ट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वैलिड नहीं रहता। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ये रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। राइट। तो आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि भाई यहाँ पर ये वाले लॉजिक से यदि हम लिखेंगे तो गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ही घूम चुकी है, घूमती एक्सिस हमें नहीं आती। इस लॉजिक से क्यों सही आता है ये अपने आप में एक लंबी कहानी हो जाएगी, सो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। बट यदि हमें रोटेटिंग सिचुएशंस लेनी है और एक्सिस घूम रही है तो दिस इज़ द बेटर सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए एक सर्कल में ये दोनों पार्टिकल चल रहे, ओके, और यदि इनकी ओमेगा सेम है, राइट, टू और टू, तो एक चक्कर बाद दोनों आमने सामने आ जाएंगे यदि ओमेगा सेम है, तो वेलोसिटी नहीं ओमेगा, राइट, दोनों एक चक्कर बाद आमने सामने आ जाएंगे। इनफैक्ट इसका मतलब यहाँ बैठ के यदि मैं इसकी तरफ देखूँ तो मुझे घूमता हुआ दिखाई, राइट। बट ऑन द अदर हैंड यदि ये कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे तो इनकी वेलोसिटीज यदि मैं देखूंगा तो 2r1 2r2 आएंगे और रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, डिस्टेंस आएगा, बट वो दिखने में नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता पड़े बिना अपन एक्सेस को मारेंगे। ऑन द अदर हैंड इनकी वेलोसिटीज ओमेगा अलग अलग है, लेट्स से, राइट, ये 2 से चल रहा है, ये 4 से चल रहा है, तो आप देखेंगे जब तक ये यहाँ पहुँचेगा ये चक्कर काट चुका होगा, तो वहाँ पर रिलेटिवली अपन चक्कर के हिसाब से तो कह सकते हैं कि 2 रेडियन पर सेकंड की रेट से या 2 आरपीएम की रेट से वो पहुँचाता है, जो भी आपकी रेट से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बस मेन थीम ये है कि ये लगाने के लिए एक्सेस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पॉइंट्स का खुद का कोई ओरिएंटेशन होता नहीं है, तो पॉइंट्स के केस में मैथमेटिकली तो सही है बात, बट फिजिकली में हमारी खुद की ऑब्जर्वर की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। दैट्स वाई रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत सुनने में अजीब लगेगा इजी वाला पोर्शन पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग में पोर्शन होता है वो शुरू ही रोटेटिंग एक्सिस से होता है, राइट। चलिए जी, अब एक सवाल और था, डिफरेंस बिटवीन टाउ इज इक्वल टू अल्फा एंड टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। तो आप लोगों ने डिफरेंसेस देखे होंगे, सोचे होंगे, लिखे होंगे, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो डिफरेंस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, लेक्चर में था भी सही बट वो पता नहीं कितना समझ में आया होगा, तो वो एंड अबाउ में एक बार और बता देता हूं। Now,
पहला डिफरेंस ये जो टॉर्क है ओनली पैरेलल टू एक्सिस टॉर्क ओनली पैरेलल टू एक्सिस अच्छा एक्सटर्नल दोनों में ही होगा इसलिए एक्सटर्नल वर्ड को मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ ओनली पैरेलल टू एक्सिस टॉर्क एक्सटर्नल इज इंक्लूडेड यहां पर मैं लूंगा इन सबके एग्जाम्पल धीरे 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 आगे आगे लेता जाऊंगा टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज कंसिडर सेकेंड Second difference is क्या होगा only valid for rigid body ये तो पहला तो derivation में दिख गया होगा आपको कि अपन ने torque का angular momentum का सिर्फ parallel वाला component लिया था अपन ने दूसरा वाला छोड़ दिया था ठीक है ना तो वो difference आपको दिख गया होगा और उसका एक एग्जांपल आप जो अपन ने वो जो सवाल लिए थे इरोडोव वाला 1.192 वगैरह उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो अपन उसको भेज रहे हैं राइट तो उसमें एक कंपोनेंट जो था पैरेलल वाला वो अलग तरह से बिहेव कर रहा दूसरा वाला अलग तरह से खैर दिस सेकंड डिफरेंस यदि आपने देखा हो तो डेरिवेशन में अपन ने ओमेगा कॉमन निकाली थी ओमेगा कॉमन मतलब रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब दिस इज वैलिड ओनली वैलिड फॉर सिंगल रिजिड सिंगल रिजिड बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं जबकि ये इसकी हम डेरिवेशन कहना थोड़ा गलत है बट इसको जब अपन ने स्पेस के आइसोट्रॉपिक नेचर से डिराइव किया था तब तो ठीक है राइट बट जब हमने इसको समझा था इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी तो एनी सिस्टम इज ओके इज वैलिड राइट वैलिड फॉर एनी सिस्टम मतलब कि वो रिजिड बॉडी कॉन्स्टिट्यूट ना करें तो भी आप इनफैक्ट याद करें तो अपन ने इसके जो पहले दो सवाल लिए थे उसमें बॉडी रिजिड नहीं थी और ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा था राइट बॉडी रिजिड नहीं थी और ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा था ठीक है तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसके लिए एक बार तो आपको फिर से थोड़ा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस तो एक तो मैं आपको फिर से पहले तो याद दिला दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस था क्या राइट तो देखिए फिर मैं तीसरा पॉइंट आऊंगा नहीं तो क्या होगा मैं समझाऊंगा आप एक्सिस का मतलब कुछ है ना तो एक्सिस की डेफिनेशन थी वो लाइन जिस पे राइट रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स के सेंटर्स लाई करते हो मोशन के राइट दैट इज एक्सिस एक रिजिड बॉडी घूम रही है तो एक्सिस मतलब क्या था बॉडी के बाहर भी हो सकती है कि जो इसके सेंटर्स होंगे इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स के राइट वो जिस लाइन पे लाई करेंगे ये 3D में सोचेंगे तो लाइन ऐसे बाहर आ जाएगी यदि एक ऐसा आलूसा है जिसको बना से घुमा राइट और जनरली तो केसेस यही होते हैं कि ये बॉडीज फिजिकली जो हम लोग सिचुएशंस पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडी के थ्रू ही निकल रही होती है ओके बट बाहर भी एग्जिस्ट कर सकती है उसमें कोई इश्यू नहीं ओके दैट इज एक्सिस नाउ इस एक्सिस के अबाउट अपन कह सकते हैं रिजिड बॉडी ओमेगा से घूम रही है
इस एक्सिस के अबाउट अपन कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी ओमेगा से, परंतु किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं कह सकते। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अ क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन, जहां पे हमने क्या बदमाशी करी थी, हमने यहां से आपको थीटा देके यहां से हमने बात करी थी कि भैया बताओ जरा ओ ओमेगा अल्फा या कुछ था अल्फा और एटी में रिलेशनशिप थी, ऑलराइट, देखिएगा सर्कुलर मोशन शीट में था, फिर मैंने इसका वीडियो भी डाला था सोच। तो वही वाली बात कि ये सेंटर्स नहीं होंगे तो इस पॉइंट के अबाउट ही ओमेगा नहीं आएंगे। तो इस ओमेगा का मतलब, इस अल्फा का मतलब रिजिड बॉडी की एक्सिस के अबाउट ही हो सकता है। हेंस दिस इज वैलिड ओनली अबाउट एक्सिस, लिखा हुआ एक्सिस, मतलब हमारे एक्सिस बनाने से एक्सिस नहीं हो जाएगी, याद रखिएगा, राइट। उसका क्या मतलब होगा, पॉइंट्स लाइंग ऑन रिजिड बॉडी वो सब एक्सिस हो सकते हैं, और लाइन ऑफ कॉमन सेंटर्स। जबकि इसके लिए नो रेस्ट्रिक्शन फॉर पॉइंट अबाउट विच वी कैन यूज इट। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, तीसरा वाला पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक एग्जाम्पल में और कोशिश करता हूँ समझाने की, जैसे कि आगे जाके अपन एक ऐसा सवाल लेंगे, जल्दी ही लेंगे अगली क्लास में प्रॉब्लम, कि एक रॉड है ठीक है, तो जिसको अपन ने इसके अबाउट हिंज करना, तो अपन देखेंगे कि हम इस पॉइंट ए के अबाउट भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, बी के अबाउट लिख सकते हैं, सी के अबाउट लिख सकते हैं, डी के अबाउट, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, परंतु इस पॉइंट ओ के अबाउट जो कि जमीन पे कहीं है एल दूरी पर, इससे अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे इस बॉडी के लिए, तो रिजल्ट गलत आ जाएगा, जबकि इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी लिखेंगे तो रिजल्ट सही आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग इन द थर्ड पॉइंट। तो ये तीन मेजर differences, all right? चलिए जी, तो अब हम लोग थोड़ा सा जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सरसाइज दी थी उस पर फोकस करेंगे आज के बचे हुए लेक्चर्स पार्ट्स में, और अगले लेक्चर से फिर हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का थोड़ा एप्लीकेशन शुरू करेंगे।